ये कैसे हो सकता है? मलार माफीनामा कैसे लिख कर दे सकता है? मैं मलार को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी माफीनामा लिखकर नहीं देगा। जल्दी भी आज तौर पर नहीं चला, चोला बनकर चला देती है। कभी आपका फोटो बनाओ। मेरा नहीं, मैं फोटो का क्या करूँ? अपने घर वालों को भेज देना, माशाल्लाह इन कपड़ों में बड़ी अच्छी लग रही है। इतनी ठाट बाट देखकर हो सकता है आपकी कोई और सहेली किसी और अमीर आदमी को फांस ले। मामा, अंकल को मैंने दावत में बुलाया था, तुम कौन होती हो मेरे घर में लोगों को दावत देने वाली? क्या तुमने मुझसे पूछा था फिर ऐसे शख्स का जो कल तुम्हें भी अपने दामे और सपने फंस सकता है? आईने अलीना से मिलने से एहतियात कर। क्यों? आज आवरगान तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको क्या बता, एक और बता, ये जो सियासी ताकत है ना, ये भी बंदे के दिमाग में हवा भर देती है। बहराम खान, अगर आजम शाह के पास सियासी ताकत है तो जाफर खान के पास दिल की ताकत है। मैं जरा उनका लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे बड़े उनके बड़ों के मुरीद हुआ करते थे। मेरा मेरे खुदा ने पूरा यकीन है, अगर मेरी जिंदगी है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर मेरी जिंदगी नहीं है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। सर, खुदा करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए, ऐसी बातें जबान से मत निकाल दें, बस आप मुझे जेल तक वापस भेज दें। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई नुकसान हो, बस अब बहुत हो गया, आप मुझे वापस भिजवा दें। हम जानना था आज से पहले तो कभी आपको अनवर और कायनात का इतना ख्याल नहीं आया, फिर ये अचानक कहीं बाबा साईं से मिलने का बहाना तो नहीं है? नहीं, उससे क्यों मिलनी चाहूंगी, फिर वो बचेरन भी तो उसके साथ होगी ना। उसका ख्याल तो आप कैसे निकाल रहे, दो दिनों के मेहमान है बस। ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगा, बस किसी तरह जन्नत से बड़ी साई का पीछा छोड़ा। लेकिन चाची वो फिर जाएगी कहाँ? अगर उसे वापस झील पे भेज दिया गया तो उसे दोबारा अगवा कर लेंगे या फिर उसे काली करके मार देंगे। वो कुछ भी करे हमारा उससे क्या? क्या हमने सारी दुनिया की लड़कियों का ठेका उठा रखा है? हम आपको मालूम है कि खाम खा इसमें कुछ ना कुछ तो बोलना होता है ना, बोले दिया करें इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाँ बहन, बोलो क्या बात है?
اگر ملہار کے لیے کچھ کرو تم اس کے دوست ہو, اگر تم بھی نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ میں کیا کر سکتا ہوں, نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ کوئی بڑی سفارش, میرے پیچھے تک خود پولیس لگی ہوئی ہے. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کہو, جتنے پیسے ضرورت میں ہوں گے میں اپنی گہنے بیچ کر دوں گی. یہ باپ کی بات ہے, پہلے تو ایسا بندہ تو ملے جو پولیس سے بات کرے, یہاں تو سب ڈرے ہوئے ہیں, کوئی پولیس ہے کوئی ٹھیکیدار بران خان سے. ٹھیک ہے ادا, تم پھر بھی کوشش تو کرو, میں چاچی حاضرہ کے پاس جا رہی ہوں, تو بہت پریشان ہے. جنت, مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے دور چکی گئی, پھر بھی تم کو یقین نہیں آ رہا. تمہارے کہکوں کی گونج, تمہاری باتیں میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی محسوس ہو رہی. السلام علیکم. کیا ہو گیا بیٹا؟ چاچی پانی میں نمک ہے. جنت ویسے تو بڑی چپ چپ رہتی, ملہار کو دیکھے پتہ نہیں تجھے کیا شرارتی سوچتی رہتی ہے. اما میرے ہاتھ میں نمک لگا ہوا تھا نا, میں کیا کرتی؟ چاچی میں کبھی سے اتنا ماروں گا نا, یاد کرے گی یہ. ہاں بیٹا لگانے سے دو چار تھپڑ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس سے. اما تو بھی نہ بس, ہمارا ایک ہی تو رشتے دار ہے اور ہمارا ہے ہی کون اس کے علاوہ, اس سے بھی مذاق نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, جا کے دوسرا پانی پلا دے. ہاں اب چینی والا پانی پلاتی ہوں. تمہاری ان باتوں کے علاوہ میری زندگی میں راہی کیا ہے؟ دل بھی توڑا. بلاسین کیا کیا ہے میں نے, میرا جرم کیا ہے؟ مجھ سے پوچھتی ہوں کہ میرا جرم کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو. دس مرتبہ کہا کہ کالج سے سیدھے گھر آیا کرو, لیکن تم اس لڑکے کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہو کیونکہ بڑے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق. ایاز اپنے بڑوں سے مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کہ زبان جان کی بیٹی اس کے ساتھ گھومتی ہے. میری سادگی اور جیت کی وجہ سے تم لوگوں کے دماغ خراب. سامنے گھر ہے, بس خیال کرنا پولیس کو پتا نہ چلے اور ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے صرف لڑکی کو اٹھانا, مگر اس میں بھی خواب ہے پیر سائیں کی لڑکی کہنا تو کچھ نہ ہو. ہاں ورنہ سائیں اعظم شاہ ہم کو نہیں چھوڑے گا. فکر نہیں کرو سب ہو جائے گا, اب یہاں سے چلو. Oh, my God.
बस ये साहब जो अलग हम सबको अलग विभाग जाना है सही आज नहीं तो कल सबको जाना है उसी के पास जो अलग हमारे मुल्क साहब शहीद हुए हैं और बाबा शहीदों का गम नहीं किया जाता है वो जिंदा है इस जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है बचेंगे वो भी नहीं समझो कि हमारा काम हो गया कहाँ हुआ है हमारा काम यार कुछ चोरी की वजह से तो तीनों ख्वार हो रहे समझो कि ये ख्वारी आज खत्म क्या कह रहे हो अगर बताओ भी भला हाँ जनक कहाँ है समझो कि आज हम जनक तक पहुँच गए पीर सुभान शाह को किसी ने गलती कर दिया है क्या क्या हुआ पीर सुभान शाह को ये देखिए अखबार में खबर छपी है कि पीर सुभान शाह को सुबह गाड़ी में जाते हुए किसी ने हला कर दिया इसका मतलब है हमारा काम किसी और ने कर दिया बिल्कुल अच्छा सुनो हाँ। ये बात बहराम खान को बतानी है कि ये काम हमने किया है बिल्कुल सही कहा आपने आपका क्या ख्याल है इस वारदात में कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं थाना चला रहे हैं आप लोग और आपको ये नहीं मालूम कि इस वारदात में किसका हाथ हो सकता है सही हमारी मालूमात के मुताबिक पीर साईं के कत्ल में बहराम खान और उसके लोग मुलव्वस हैं बाबा आप समझते हैं कि एक मामूली ठेकेदार बगैर किसी की सपोर्ट या मदद के इतनी बड़ी वारदात करवा सकता है सही मैं समझता हूँ बहराम खान खुद जाती दुश्मनी की बिना पर इस वारदात में मुलव्वस बाबा या तो आपकी मालूमात अधूरी है या फिर आप जानबूझ कर जाफर खान को बचाना चाह रहे हैं सही मैं समझता हूँ जाफर खान इस वारदात में मुलव्वस नहीं आप ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं बाबा साईं के कत्ल की वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुए और जो बंदे थे वो जाफर खान के ही तो थे जाफर खान इस इलाके का मौजूद और बासर शख्स है हम बगैर किसी सबूत के कैसे उस पर हाथ डाल सकते हैं ठीक है बाबा जा सकते हैं आप और रही बात बाबा साईं के कातलों की तो उनसे हम खुद ही निपट लेंगे फिर साईं आप एक मौजूद पार्लियामेंटेरियन और जिम्मेदार शख्स हैं मुझे उम्मीद है आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे रह गए बहराम खान और उसके साथी उनके पीछे मैं अभी पुलिस पार्टी भेजता हूं ठीक है बाबा देखते हैं इजाजत ओके फिर साहब चलता हूं खुदा हाफिज कैसे नहीं खुश होऊंगा पीर सुभान को मंजर आप से हटाकर तुम लोगों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है अब तो जन्नत से शादी करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती वैसे बता रही ये काम बहुत मुश्किल था जान जोखिम में डालकर ये काम किया बाबा ये जो तुम लोगों ने काम किया है ना ये तो कोई भाई भाई के लिए भी नहीं कर सकता बता रहा वैसे बता रहे इस काम की मिठाई क्या होगी अरे बाबा हुक्म करो जो हाल है हाजिर है साईं मुझे तो दोस्ती का जोड़ा चाहिए
अरे बोसकी का जोड़ा तो मैं तुम सब लोगों को अपनी शादी पे पहनाऊंगा। कुछ और मांगो। बताए शादी पर तो हम कुछ और मांगने वाले थे। जैसे तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम पर है, कैसी मिठाई खिलाओगे? अब ऐसा करते हैं कि मैं तुम लोगों को पैसे दे देता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी अपनी शहर से जाकर जो जी चाहे खरीद लो। साईं 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 पुलिस इधर आ रही है। पुलिस आ रही है? कहाँ से आ रही है? साईं मैंने जेल वाले बंद पर देखे कि वो पुलिस इधर ही आ रही है। ऐसा करो भागो वरना सब धरे जाएंगे। आ जाओ चलो भाई आ जाओ। ये अब नहीं चलेगी भाई, आराम से जल्दी भागो, पुलिस थोड़ा ना आ जाएगी। नहीं खराब होना। पीर सिंह तो बड़ी विलायत वाला था, खुदा ने उसे शहादत का रुतबा देना था। मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? एक गोली मुझे भी मार देते। पीर साहब के बगैर मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं अम्मा? लेकिन अपनी किस्मत कौन क्या कह सकता? मुझ पर नसीब की ऐसी किस्मत क्यों है? तूने मुझे पैदा ही क्यों दिया? पैदा उसे ही मार क्यों नहीं दिया? कौन सी मैं अपने जगत के टुकड़े को मार देगी? मुझे क्या पता कि तुम इतने अजाब से हो? मैं तुझे क्या बताऊँ? मेरे बहुत गुस्सा हर घड़ी हर लगे मुझे नफरत की निगाह से देखा दे। बाबा गुलाम हुसैन, मैं जब कराची जाऊंगा तो काम करवा दूंगा। बस अपने बेटे को कहो कि एक अर्जी लिख कर मुझे दे दे, ठीक है? ठीक है। क्यों आया? मुझे अकेला क्यों छोड़ दे? एक गोली मुझे भी मार देते। पीर साहब के बगैर मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं अम्मा? लेकिन अपनी किस्मत कौन क्या कह सकता? मुझ पर नसीब की ऐसी किस्मत क्यों है? तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा उसे ही मार क्यों नहीं दिया? कौन सी मैं अपने जिगर के टुकड़े को मार देती? मुझे क्या पता कि तुम इतने अजाब से हो? मैं तुझे क्या बताऊँ? मेरे बहुत गुस्सा हर घड़ी
بابا غلام حسین میں جب کراچی جاؤں گا تو کام کروا دوں گا, بس اپنے بیٹے کو کہو کہ ایک عرضی لکھ کر مجھے دے دے, ٹھیک ہے؟ تجھے اجازت دے دوں کہ تو حویلی جا کر اس بھاگی ہوئی منحوس لڑکی سے ملے جس نے میرے بابا کو مروا دیا. چل نکل جا یہاں سے, عدت پوری ہو جائے گی تو بھجوا دوں گا تیرے پاس. میں نے کہا نا چلا جا. جی مجھے صحیح, نکالو اسے باہر یہاں سے, ہر آئیں گا یا اوتار کے پاس کر دینا ہے مجھے. جو حکم مجھے صحیح. چلو بابا چلو چلو. بھابھی آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہو کیا بات ہے؟ آپ کسی طرح اما کو سمجھائیں کہ وہ جنت کی اس طرح بے عزتی نہ کرے, اور اسے رہنے کے لیے کیسی جگہ دی ہے. آخر وہ بابا سنگھ کی بیوی تھی. تائنات آخر وہ بڑے ہیں, میں انہیں کیا کہہ سکتی ہوں, اور ایسی حالت میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر باتیں کریں گی, اور یہ باتیں ہمارے دشمنوں کی زبانوں تک پہنچ جائیں گی. بڑی بدنامی ہوگی ہماری. ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے, تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ خود کسی وقت ان کو سمجھا دو. نہیں بھابھی, وہ کہاں میری بات سمجھیں گے. وہ تو پہلے ہی میرے کراچی میں رہنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں. وہ تو بابا سنگھ کی وجہ سے کچھ زیادہ بول نہیں پاتی تھی. پھر تو میری بہن, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. میں نے گھر پہ بلایا تھا, آپ نے ان کی توہین کر کے اچھا نہیں کیا. بیٹا میں ایک دوسری بھی عورت ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی کسی سے بولنے کی نظر اٹھے. ہم آپ ڈیڈی کے گناہوں کی سزا دوسروں کو کیوں دیتے پھر رہی ہیں؟ کیونکہ سب سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. میں آپ یہ بات کہہ کے اس گزرے کے آدمی کے ساتھ ایک اور غلطی کر رہی ہوں. اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا پھر اس کی بدنسی بھی ہے کہ وہ اس کلاس میں پہلے ہوا جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کا بھی قصور نہیں ہے. ڈیڈی کی بوڑھی اور بے وفائی ہے آپ کو نفسیاتی مریض بنا دیا. نہ تو میں نفسیاتی مریض ہوں اور نہ مجھے تمہارے ڈیڈی کی بے وفائی کا کوئی احساس ہے, کیونکہ یہ تک ہم ایسے کوئی یہ نہیں جاؤ. تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے بنواس کاٹا ہے. کانٹو پہ چل کر اپنے پاؤں چھپنے کے لیے میری ساری زندگی کا حاصل تو نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ جو آپ کی کھائی میں نے عبور کی ہے وہ تمہارے حصے میں بھی آئے. ہر ماں یہی باتیں کرتی ہیں, اپنی بیٹی کو بھی سوچ کے کدھروں میں قید کرے. خدا کے لیے مانا, مجھے اپنی مرضی سے جینے دو, مجھے اپنی مرضی سے اڑنا. تو گھر تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اڑ نہیں پاتے اور گر کے جانوروں کا شکار ہو جاتے. ماما میں اپنی ایسی بھوکے کی بچی بھی نہیں. بیٹی میں تمہاری کوئی دشمن نہیں ہوں, میں تمہاری ماں ہوں. میں تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچتی ہوں. یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے نہ ہی آپ بابا کی جنت کو ویلو سے نکالتے اور نہ ہی ہاتھ سمجھتا. نہیں یہ سب اس پچھلے وجہ سے ہوا ہے.
पता नहीं कहां से वो बाबा साहब के गले लगे। अदा सिंह जगत का भी क्या कसूर था, उसने तो उन लोगों से बचने के लिए बाबा साहब की अपना ली थी जिन लोगों के हाथ उसके बाप ने उसे बेच दिया था। बाद में उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मजबूरन बाबा साहब को उससे शादी करनी पड़ी। कोई हालात बालात नहीं थे, इतने बड़े मालदार पीर को फांसने के लिए जन्नत और उसकी माँ के लिए चाल थी। वो फकीर था, उन नायनों के लिए चाल समझ न सका। मैं भी कहती हूँ दोनों माँ बेटियों को लाके मार कर खरीदी से बाहर निकाला। चाची कुछ तो ख्याल करे, अभी उसकी अदब के दिन पूरे नहीं हुए तो किस तरह हवेली से बाहर जा सकती है। तो वैसे अदा सही कातिलों में कुछ पता चला? कातिलों का क्या पता लगना, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं। वैसे अदा सही बाबा साहेब की मदद से कुछ वक्त पहले यही लोग बंगले में घुसाए थे और जन्नत का पूछ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि बाबा साहेब कायनात करते नहीं थे। मैंने बताया कि जन्नत शहर गई है बाबा साहेब के साथ और ये मेरी बहन कायनात है। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप क्या कह रहे हैं भाई? मेरा मतलब था कि वो बैराम खान के बंदे थे, अगर उस लोग जन्नत में मिल जाती तो कम उसका बाबा साहेब की जान बच जाएगी। बाबा साहेब इसी वजह से वापस नहीं आ रहे थे? पता नहीं, ये तो बाबा साहेब ने मुझे बताया। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं है दासी, बाबा साहेब अचानक नहीं पता है, किसी से कुछ कहा भी नहीं। शायद जन्नत कुछ जानती हो? नहीं, उसकी माँ बता रही थी कि कोई मछलियों का ठेकेदार है जो जन्नत की शादी की वजह से चाचा सिंह का दुश्मन हो गया। शायद वो लोग उसी के और इसी वजह से चाचा साई वापस नहीं लिया है। नहीं 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 नहीं, बाबा साई किसी से करने वाले नहीं थे। किसका इंतजार कर रहे हो मल्हार? अब यहाँ कोई नहीं आएगा, बैठ जाओ। किसी ने नहीं आना था, जिसे आना चाहिए था उसके लिए दिल तड़प रहा था, कभी नहीं आ सकता। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि बैराम खान मिला भी नहीं? भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा? एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। आप लोगों के कानून का जाल कमजोर पड़ गया है, छोटी मछली फंस जाए तो फंसती ही जाती है और अगर बड़ी मछली फंस जाए तो जाल तोड़ के फंस जाती है। कौन सी बड़ी मछलियां? अब देखो ना, जिसे कहने पर तुम लोगों ने मुझे बंद किया हुआ है वो खुद कानून का मजबूर कातिल है और वो भी इतने बड़े पीर का, लेकिन फिर भी तुम लोगों के हाथ नहीं आए। कब तक नहीं फंसेगी बड़ी मछली? अब चुप करके बैठ जाओ। अम्मा मैं हार क्यों नहीं आया? वहां कैसे आता? उसके बस में होता तो आता। क्यों, क्या हुआ है मल्हार को? वो खुश तो है? बेटी पता नहीं खुश है भी क्या है, जालिमों ने उसके साथ जुल्म बढ़ा। अम्मा तू बताती क्यों नहीं, आपसे बात क्या है? बेटी वो ठेकेदार के लोगों से लड़ रहा था, उन लोगों ने उठा के उससे जेल में बंद कर दिया। एक महीने से बंद पड़ा है, एक महीने से अंदर बंद पड़ा है, और अब्बा ने उसे छुड़वाने की कोशिश नहीं की। कैसे करता? बैराम खान के पास जाके बड़ी मेहनत मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक मल्हार माफीनामा लिखकर नहीं देगा वो बंद ही रहेगा। बैठो बैठो, कुछ पूछना था तुमसे। बाबा साहब तो कराची कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए थे ना, फिर अचानक वापसी का इरादा कैसे कर लिया? पता नहीं साईं, शायद अनवर साईं और कायनात के रिश्ते की बात पक्की करना चाह रहे थे। यूं अचानक सिर्फ इसकी आदत? साईं हाँ कहो, क्या बात है? वो मेरा चचाजात भाई है मल्हार, बैराम खान ने पुलिस से कहकर उसे थाने में बंद करवा दिया है।
अगर हो सके तो आप उसे छुड़वा देंगे। अच्छा देखता हूँ सुबह। माई तुम अभी तक इधर ही हो? गई नहीं? भलाई ये हवेली है, कोई चोर डाकू उठा के नहीं ले जाएगा उसे। सुबह चली जाना और मुझे यहाँ दिखाई मत देना। तुम इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, बाकी की सारी जिंदगी देखती रहना इसे। और दुआएं दो पीर आजम शाह को, वरना कल तुझे चालान होकर जेल जाना था। ऐसे करो कि कल तुम्हें कॉलेज वाले छोड़ दो। क्यों डैडी? इसलिए कि 10-15 दिन मैंने वापस जाना है यहां से। हम शिफ्ट हो गए। डैडी मैं नहीं जाऊंगी। डैडी मैं अपनी तालीम यही रहकर मुकम्मल करना चाहती हूँ। बेटा तालीम मुकम्मल कर तुम्हें क्या करना है? कोई नौकरी वोकरी करनी? डैडी तालीम सिर्फ नौकरी करने के लिए तो नहीं हासिल की जाती। तो फिर किसकी तालीम? हमारी माँ ने भी हासिल की थी। क्या कर लिया इन्होंने? ये तालीम ही तो है जिसने मुझे तुम्हारे हर जुल्म हर जाति को सबर से बर्दाश्त करना सिखाया। क्या जुल्म किया मैंने तुम्हारे ऊपर? हर किसी को खुशी मिलती है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, और क्या चाहती हूँ? मैंने तुम्हारे साथ बंगला गाड़ी पैसों के लिए शादी नहीं की थी, और ना ही ये सब चीजें मेरी कभी आइडिया नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। कौन सी मजबूरी? वही खानदानी बेगम। ओहो, तुम तो हर वक्त मेरा दिमाग खराब कर देती हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। झूठ मत बोलो भाई, यही बात अलीमा की तो इसे तालीम मुकम्मल करने दो। बात की शिफकत नहीं मिली, कम से कम डिग्री तो मिल जाएगी। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा। इस वक्त छोड़ो इसको। से जरा सा पीसने का सहारा मिला और वो भी रब से छीन। बस कर हाजरा, अगर मैंने जबान खोली ना तो फिर तू चीखने लगेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? अरे तू अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकता? घर की हर चीज बेचने के बाद तूने पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। अरे तुझे खुदा का खौफ भी नहीं हुआ? चाची जो हुआ सो हुआ, अब उसे याद करने से क्या फायदा? बेटा मेरा तो कलेजा कट रहा। बाप होकर इसने मेरी फूलों जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो तो तुझे बेटा बनकर कमा कर खिलाती थी, फिर तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? जबान मत चला ज्यादा जबान। अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो मैं तुम्हारी भी बोली लगा दूंगा। हाँ हाँ लगा दे मेरी बोली। मैं भी तो देखो मेरी बेटियां लेने वाला कौन है। चाची अब तू ही सब्र कर ले, यूँ लड़ने से लड़ने से क्या फायदा? जन्नत अपनी इज्जत पूरी करके आएगी और तुम दोनों को यूँ लड़ता झगड़ता देखेगी तो क्या सोचेगी वो? मेरा तो सोच के ये बिल्कुल भजा रहा कि मेरे महलों में रहने वाली और मोटरों में घूमने वाली बेटी फिर इसके लिए मछलियाँ पकड़ने आ रही। अरे अल्लाह ताला दोबारा जन्नत को मेरी मदद के लिए भेज रहा है तो तू क्यों जल बुन रही है?
तुझे ब्याह कर लाया था, कोई उठा कर नहीं लाया था। तू क्या उठाएगा किसी को, तुझमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि झील से मछलियां पकड़ सके। औरत को उठाएगा तू? क्या कह रही हो तुम, जबान बंद कर वरना मेरे हाथ को मर जाएगी। तू मर जाएगी, छोड़ दे हाथ, मैं इसको देख लूंगा। पता नहीं तुमने उस लड़की में क्या देखा था, सबको जलील करा दिया। कमला तुम मेरे मुलाजिम नहीं, दोस्त भी हो। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाराम खान मेरा मकसद ये नहीं था, जरा सोचो। इतनी सी बात है, कितनी बात पड़ गई है। ये इतनी सी बात नहीं थी, मेरी इज्जत और गैरत का मामला था। अरे सर तुम अपनी जगह सही हो, मर्द घर और जमीन के लिए मर मिटता है, लेकिन अब कुछ करो, यहाँ तो बैठे बैठे हमें बदबू हो जाएगी। अरे तुमको क्यों फिक्र लगी है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जरा ठहरो, मामले को थोड़ा ठंडा होने दो। बराम खान मुझे तो अब अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होने लगी है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अरे पागल तेरे को अपने बीवी बच्चे इतने अजीज थे, फिर हमसे दोस्ती क्यों की थी? तुझे पता नहीं हमारा सर अकेली पे होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर तेरे ये बच्चे अब पापा करते तेरे पीछे रोते फिरेंगे। यार तुम तो सदा अपनी सुनाते हो, बस बस खामोश हो जाओ, नहीं लड़ो आपस में। अच्छा बात सुनो, तुमको अगर जाना है तो जाओ, बातें करता है। जन्नत तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो, अपनी अम्मा को भी साथ रखा होता ना? तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, दो गंदी मछलियों की क्या जरूरत है? जन्नत तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन दुख की बात यह है कि अदासाई और अम्मा तुम्हें समझ नहीं सके। बड़े चीजें की मैं शौकन हूँ, उनकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन छोटे साई वो अच्छा नहीं करते। आखिरकार रिश्ते में तो मैं उनकी माँ हूं ना, अदा सिंह की कमजोरी कहीं अपनी तरफ। वो हर शख्स को हसब नसब की ऐनक लगा के देखता है और उसी ऐनक से उसे हर इंसान अपने से कमतर नजर आता है। बड़ा साई तो ऐसा नहीं था, दुख की बात यह है कि हम सब उन्हें समझ नहीं पाए, उनकी फकीरी को अयारी समझ बैठे थे। बड़ी ज्यादतियां किए हमने बाबा सही से, खुदा माफ करेगा। मैं तो इस पर शर्मिंदा हूं कि मैंने भी उनको दुख दिए तुम्हारी वजह से। वो तो अपने लिए है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। हे कायनात, तुम क्यों माफी मांग रही? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे कायनात बेबी, आप दिल पर मत लें, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, अब दुख करके करूंगी भी क्या, मेरा दुख दर्द सुनने वाला है, देखने वाला ही नहीं, किसको दिखाऊंगी, किसको सुनाऊंगी।
जिन्नत जिन्नत सुबह करो